नमस्कार, आप देर इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, हमीरपुर राठ। राठ में नौकरी दिलाने के नाम पर पत्रकार से की लाखों की ठगी। मामला हमीरपुर जनपद राठ कोतवाली क्षेत्र के दीवानपुरा का है। पीड़ित पत्रकार ने कोतवाली राठ में तहरीर देकर कार्रवाई की लगाई गुहार। योगेश साहू पुत्र कालीचरण साहू निवासी दीवानपुरा ने बताया कि उसके मित्र कलीम निवासी राठ के ससुराल महुआ जिले बेलाताल कस्बे में कलीम का मित्र निशान ने उससे रेलवे की नौकरी लगवाने का भरोसा देकर उससे 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब पत्रकार को नौकरी लगती नहीं दिखाई तो उसने खुद को ठगे जाने की हुई जानकारी। उसने उक्त वक्त अपने रुपयों की मांग की, जिससे निसार ने उसे गाली गलौज देकर जान माल की धमकी दे डाली। नाम कालीचरण साहू, मैं दीवानपुरा निवासी और मेरे साथ रेलवे की नौकरी के लिए जो मेरा दोस्त है कलीम, उसी के मौसा बेलाताल में रेलवे के पद पे पैडमैन के पद पे नियुक्त है, रेलवे की नौकरी करता है और बेलाताल में ही निवासी है। एक कलीम जो हमारा दोस्त है, उसी की नई नई शादी हुई थी तो उसी ने अपने मौसा ने उसके जो कलीम को झांसा दिया कि ये हमारा रेलवे की नौकरी लगाने का थोड़ा बहुत है, हम कई लोगों को नौकरी लगवाई है तो अगर कोई अगर अपना आदमी हो तो बताना। उसने हमें बताया, दोस्त के नाते हमने उसके ऊपर विश्वास किया। उसने उसको बुला के और पहले 1 लाख रुपये दिए, 5 लाख रुपये में पूरी बात की थी। फिर मोधा का प्लाट बैठने के बाद 2 लाख रुपए दिए उसको, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देने के बाद वो बोला कि 6 महीने में नौकरी लगवा देंगे। 6 महीने की जगह 8 महीने हो गए, 8 महीने की जगह 10 महीने हो गए। 10 महीने बाद हमने कहा कि क्यों भाई, अब नौकरी लगवाइए या फिर पैसे वापस दीजिए। पैसे वापस जब देने की बात आई तो उसने फिर आनाकानी करना चालू कर दिया। आज आ रहे, सुबह आ रहे, शाम को 50 बार 100 बार फ़ोन किया, तब भी फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन उठाता था, जब वो कहता था कि हम अभी आ रहे, इसके बाद जब ज़्यादा दबाव बनाया तो उसने अपने रिश्तेदारों से कहा कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो हम दे रहे हैं। तो जब पैसे वाली बात आई तो उनकी रिश्तेदारों ने कहा कि थोड़ा और हो जाएगी, हम दबा दे रहे। उनकी भी सब लोगों की बात मानी, ऐसी टाइम टूटा गया, चला गया। इसके बाद उनकी रिश्तेदारों ने भी कहा कि भाई जो करना हो आप करिए और हमारी तरफ से हम स्वतंत्र हैं आप, और आप अपने हिसाब से पैसे निकाल लीजिए। और जब हमने पैसे के लिए बात की तो उसने धमकी हमकी देने लगा। जब धमकी वाली बात आई तो फिर हमने तहरीर दी थाने में। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने आश्वासन दिया कि उसकी जांच की जा रही है, बाकी अभी तक कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया और ना कुछ अभी किया। किसको दिए थे पैसे, क्या नाम है उसका? निसार अहमद, उनके पिता का नाम है जंगली। कहाँ का निवासी है? बेलाताल का निवासी है और बेलाताल में ही पोस्टिंग है। कब दी तहरीर आपने? तहरीर हमने उसको कोतवाली में कब दी तहरीर? कल। कौन सी तहरीर? कल दी थी।